हेलो गाइस, मैं बलराम दास और आप लोग देख रहे हैं राम इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हमारे पास एक पैनल है 32 इंच का एलजी का पैनल है गाइस। तो इस पे हमारा जो प्रॉब्लम है, ये सप्लाई नहीं निकल रहा था। तो किस कारण हमारा ये सप्लाई नहीं निकल रहा था और ये किसके साथ शॉर्टिंग था, ये सप्लाई, ये जो टिकॉन पीसीबी है, तो ये हमारे साथ एबीडीडी के साथ 7 वोल्ट पॉजिटिव शॉर्ट था, उसके साथ में और ग्राउंड के साथ भी शॉर्ट था। अगर हम ग्राउंड से भी मीटर लगा के इस यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करता हूँ तो भी शॉर्ट दिखाता है, और यहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ पर भी मीटर कंटिन्यूटी चेक करता हूँ तब भी हमारा मीटर जो है शो करता है। उसके बाद में हमने यहाँ पर क्या किया हूँ, कुछ ट्रैक वाज में हूँ जो कि यहाँ पर कैपेसिटर है, कुछ हमने खोल के रखा हो फिलहाल, तो ये कैपेसिटर शॉर्ट नहीं था, तो यहाँ पर कैपेसिटर शॉर्ट नहीं था। उसके बाद में हमने यहाँ से कुछ ट्रैक को कट किया था और चेक करने के लिए हमें इसको साफ़ कर लिया था थोड़ा बहुत, क्योंकि चेक करने के लिए आसान हो जाता है साफ़ करने से। और उसके बाद में हमने यहाँ से कुछ ट्रैक को कट किया हूँ, जो उसके बाद हमारा जो सप्लाई है वो निकल के आ चुका है सामने, जो कि ये 7 वोल्ट पॉजिटिव है। इसको यहाँ से हमने कट कर दिया हूँ, यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया हूँ, उसके बाद में यह सप्लाई आ चुका है। लेकिन सप्लाई आने के बाद भी आपका जो ये आईसी है काफ़ी ज़्यादा हीटिंग हो जाता है, मतलब आईसी आपका सप्लाई निकल रहा है, आईसी हीटिंग हो रहा है। आपको समझ लेना है कि आईसी आपका सही 100% से 90% आईसी सही होगा, आपको और भी कहीं पर शॉर्ट होगा, जो कि सप्लाई निकलते ही तुरंत दूसरे सप्लाई के साथ ये शॉर्ट हो जा रहा है। इसके कारण आपका जो प्रॉब्लम है वो आईसी हीटिंग हो रहा है ज़्यादा। आप समझ लीजिए कि हमारा ये सप्लाई आ रहा है, एबीडीडी आ रहा है, जब एबीडीडी आ रहा है तुरंत आईसी ने एबीडीडी को सप्लाई दे दिया है, उसके बाद एबीडीडी के साथ अगर कोई दूसरा ट्रैक हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, एबीडीडी के साथ शॉर्ट हो जाता है कोई भी सप्लाई, मानो 3.3 8 वोल्ट 7 वोल्ट 5 वोल्ट कोई भी सप्लाई आकर इसके साथ में अटैच हो जाता है। जैसे हम इसके साथ कोई तार जोड़ देता हो, सप्लाई हम दूसरे से यहाँ पर तार जोड़ देता हो, उसके बाद क्या होगा, ये जो आईसी है यहाँ पर तार जोड़ते ही ये आईसी जो क्या करेगा, सप्लाई एक बार देगा, एक बार ऑफ कराएगा, एक बार वापस देगा, एक बार ऑफ कराएगा, और ये आईसी जो है ये काफ़ी ज़्यादा हीटिंग होगा। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा जो कॉफ आईसी है, इस कॉफ आईसी के अंदर प्रॉब्लम चला जाता है, जो कि जितने भी सप्लाई जाता है वहाँ पर आपका शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आईसी कभी कभार ऑन होता है, कभी कभार ऑफ हो जाता है, उस तरह से भी होता है कभी कभार अंदर के शॉर्ट के सर्किट के कारण, मतलब कभी कभार कार्बन हो जाता है उसके साथ में शॉर्ट हो जाता है, तब भी आपका इस तरह का फॉल्ट देखने को मिलता है। कोई कोई सेट आपका सप्लाई खोल देने से हो जाता है, तो कोई कोई सप्लाई डिस्कनेक्ट करने से हो जाता है टीवी, कोई कोई सेट जो है वो होता भी नहीं है। तो आपको प्रॉब्लम ढूंढना है, अपने ब्रेन से प्रॉब्लम ढूंढेंगे तो अभी आपका ये जो है काम करेगा। आप दूसरों का वीडियो देख के, कि आप मेरा वीडियो देख के भी आप समझ लेंगे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो इस तरह से नहीं होता है। कोई कोई प्रॉब्लम जो है वो हो जाता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो उसके लिए आपको खुद से ही ब्रेन क्रैश कराना पड़ेगा, तो अभी आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व होगा। क्योंकि मैंने जो प्रॉब्लम, मुझे जो प्रॉब्लम मिला, शायद आपको उसी प्रॉब्लम मिला है, लेकिन उसके साथ में और भी कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, अटैच हो जाता है, तो उसके कारण जो है बन नहीं पाएगा। और जो मेरा प्रॉब्लम है और आपका प्रॉब्लम सेम हो जाता है कभी कभार, तब हो जाता है, लेकिन हर बार जो है प्रॉब्लम सेम नहीं निकलता है, अलग अलग प्रॉब्लम निकलता है। ठीक है, तो आज का जानकारी इतने से ही मैंने दिया हूँ आप लोगों को, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथ। तो इसमें और भी शॉर्ट सर्किट है, क्योंकि हमने कुछ सप्लाई इसका डिस्कनेक्ट किया हो तब भी हमारा जो आईसी है ये काफ़ी ज़्यादा हीटिंग हो रहा है। सप्लाई तो हमारा निकल गया है, लेकिन हमारा जो काफ़ी ज़्यादा हीटिंग हो रहा है आईसी, तो हमें और भी चेक करने की बारी है इसका, और भी चेक करेंगे हम इसमें, तो उसके बाद हम दूसरे वीडियो अपलोड कर देंगे आपको अगर चाहिए तो। तो मैंने आपको प्रॉब्लम जो है मैं आपको बता दिया हूँ कि कुछ कनेक्शन खोलने के बाद जो है ये हमारा सप्लाई, बाकी जितने सप्लाई है वो निकलना स्टार्ट हो गया है। पहले इसमें से कोई सप्लाई नहीं निकल रहा था, जो शॉर्ट था उस तरह से था, और अभी जो सप्लाई निकल रहा है, लेकिन डिस्कनेक्ट करने के बाद जो है
हीट हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो हमारा इसमें और भी कुछ ट्रैक जो है शॉर्ट सर्किट है इसके साथ में, इसीलिए हमारा एसी हीटिंग हो रहा है। अगर एसी ख़राब हो जाता तो हमारा एसी जो है वो सप्लाई देता ही नहीं, तो इसीलिए 100 से 90% जो है एसी सही होना चाहिए, तो हमें दूसरा प्रॉब्लम इसमें ढूंढना चाहिए। ठीक है, तो हम ढूंढ के आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, आप अगर चाहते हैं आप लोग तो।